झारखंड के धनकुबेर कांग्रेस सांसद धीरज साहू की शराब कंपनियों पर आईटी की रेड में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद हुआ है, जिसको लेकर बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बघा स्थित बीजेपी कार्यालय में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जनता की गाढ़ी कमाई पर अपना अधिकार समझ लेती है। यही वजह है कि झारखंड में कांग्रेस समर्थित सांसद के यहां आईटी की रेड में जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास ही रहा है घोटाला करना। जमीन घोटाले में ये सभी अभी बेल पर हैं। तीसरी बार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धन कुबेर निकले हैं। इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, नहीं तो 2024 में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। राज्यसभा के सांसद जो धीरज प्रसाद साहू जी हैं, तीसरा बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। 2018 में अपनी संपत्ति की ब्यौरा उन्होंने जब दिया है तो 34 करोड़ लगभग संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने दिया है और आज उनके यहाँ 300 करोड़ लगभग रुपया पकड़ा गया है और 6-6 मशीन लगा है उस नोट को गिनने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, जो झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके हिस्सा का रुपया माननीय राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के यहां पकड़ाया हुआ है। और झारखंड सरकार लूट मचाई हुई है। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसका इतिहास गवाह है कि पब्लिक की गाढ़ी कमाई को अपनी संपत्ति मान बैठती है, चाहे उसका पीएम क्यों न हो, चाहे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों न हो। पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी रहे हैं, उनके ऊपर भी घोटाला का केस चल रहा है, जमीन घोटाला, फलाना घोटाला का, जो अभी बेल पे है लोग। तो हम कह सकते हैं कि जब जब सत्ता में कांग्रेस आती है, पब्लिक की गाढ़ी कमाई को अपनी संपत्ति मान बैठती है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। वही नतीजा है धीरेंद्र प्रसाद साहू जी का जो आज झारखंड में हुआ है। जी को, जेपी नड्डा जी को तीन प्रदेश का जबरदस्त रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और विभिन्न जगहों पे जहाँ चुनाव हो रहा था वहाँ हमारा प्रतिशत वोट बढ़ा है। जहाँ पहले 7% मिलता था वहाँ अब 14% वोट बढ़ गया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता भाई नरेंद्र मोदी जी का गारंटी देश की जनता भरोसा कर रही है। और आप लोग के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भाई नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और दूसरा विषय है आज का कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद जो धीरज प्रसाद साहू जी हैं, तीसरा बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। 2018 में अपनी संपत्ति की ब्यौरा उन्होंने जब दिया है तो 34 करोड़ लगभग संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने दिया है और आज उनके यहाँ 300 करोड़ लगभग रुपया पकड़ा गया है और 6-6 मशीन लगा है उस नोट को गिनने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, जो झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके हिस्सा का रुपया
माननीय राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के यहां पकड़ाया हुआ है और झारखंड सरकार लूट मचाई हुई है। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसका इतिहास गवाह है कि पब्लिक की गाढ़ी कमाई को अपनी संपत्ति मान बैठती है, चाहे उसका पीएम क्यों ना हो, चाहे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो। पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी रहे हैं, उनके ऊपर भी घोटाला का केस चल रहा है, जमीन घोटाला, फलाना घोटाला का, जो अभी बेल पे है लोग। तो हम कह सकते हैं कि जब जब सत्ता में कांग्रेस आती है, पब्लिक की गाढ़ी कमाई को अपनी संपत्ति मान बैठती है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है, वही नतीजा है धीरेन्द्र प्रसाद साहू जी का जो आज झारखंड में हुआ है। यही बस कहना था, और चलने का ढंग नहीं है अनोवेटेड। भ्रष्टाचार करिएगा और मोदी जी को दोष दीजिएगा कि ईवीएम मशीन लूट लिया गया, उसको हैक कर लिया गया, फलाना कर लिया गया। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। पब्लिक की जन की विश्वास जितना हो तो मोदी से सबक लेना चाहिए कांग्रेसियों को। आज